सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में सभी जिलों में एग्रीकल्चर जोन में चल रही फैक्ट्रियों पर जिला योजनाकार विभाग लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में सोनीपत जिला योजनाकार विभाग ने गोहाना रोड पर बनी एक फैक्ट्री को सील कर दिया। फैक्ट्री मालिक को कई बार कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, लेकिन फैक्ट्री मालिक की तरफ से जमीन में पशु डेयरी खोलने का दावा किया गया था, लेकिन विभाग ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया तो वहां पर गद्दे बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। हरियाणा के करनाल कांड के बाद सभी जिला योजनाकार अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इसका जीता जागता उदाहरण सोनीपत में देखने को मिल रहा है। पहले तो सोनीपत जिला योजनाकार विभाग ने कृषि भूमि पर चल रही हरियाणवी सिंगर अनु कादयान की फिल्म सिटी पर पीला पंजा चलाया, तो आज सोनीपत के गोहाना रोड पर एग्रीकल्चर जोन में चल रही एक गद्दे की फैक्ट्री को सील कर दिया। जिला योजनाकार विभाग ने कई बार फैक्ट्री मालिक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने यहां पर पशु डेयरी होने का दावा किया था। आज जिला योजनाकार विभाग की यह कार्रवाई फैक्ट्री मालिक के दावे को फेल करती हुई नजर आई। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज हमने यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई की है। बेसिकली ये आप देख सकते हैं बड़वासनी में पेट्रोल पंप के नियर बाय की है, ओंदा रोड पे। इन्होंने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया था। जब हमने इनको सो कॉज नोटिस और आरओ इशू किया था तो इन्होंने एफिडेविट में इसका कल्चरल यूज़ के लिए कहा गया था। जैसे ही इन्होंने कमर्शियल यूज़ किया, हमने इनको बार बार वार्निंग इशू की, इवन यहाँ बोर्ड भी इंस्टॉल करवाया था जो इन्होंने रिमूव कर दिया। तो इन्होंने इनके अगेंस्ट हमने एफआईआर भी लॉन्च करवा रखी है और उसके अंतर्गत आज यहाँ पे सील यहाँ फर्नीचर बनाने की और फोम बनाने गद्दे बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, उसको लेकर भी कोई नोटिस है वो जारी किया गया है। हाँ, कमर्शियल यूज़ अब विदाउट जो परमिशन था उसके अगेंस्ट हमने नोटिस किया था। मैम, जो पीछे वाला गेट उसको भी सील किया जाएगा? हाँ, सील कर रहे हैं सारी। अभी कार्रवाई हमारी चल रही है सीलिंग की प्रोसेस की।